नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन, सावन के पहले सोमवार तड़के 2:30 बजे हुई महाकाल की भस्म आरती। श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे खुले दरवाजे, रोज 5,000 लोगों का कर सकेंगे दर्शन। आज शाम 4 बजे निकलेगी पालकी यात्रा। सावन के पहले सोमवार को भी कोरोना गाइडलाइन के कारण भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं हो सका। आज शाम 4 बजे निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में भी श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकेंगे। मंदिर समिति द्वारा तय नियमानुसार सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक एवं शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही दर्शन हो सकेंगे। श्रावण माह में प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। श्रावण का पहला सोमवार भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन नगर में पहले सोमवार पे भगवान महाकाल की भव्य पूजन आरती और भस्म आरती संपन्न हुई। भगवान का पंचामृत पूजा परंपरा अनुसार, साथ ही भगवान का श्रृंगार, और आज विशेष सोमवार होने से भगवान महाकालेश्वर को बेलपत्र 1008 बेलपत्र की माला भी भगवान पर अर्पण की गई। भगवान को भांग से श्रृंगार करते हुए भस्म आरती का भगवान के आज संपन्न हुई। आज का क्या विशेष महत्व है? श्रावण मास है और श्रावण मास का सोमवार है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है और शिव आज अपने भक्तों को मनवांछित फल देते हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है। और सोमवार के दिन जितने भी भक्त भगवान शिव की आराधना अपने सच्चे मन से करते हैं, यहाँ अवंतिका में भी आते हैं या जो भी ज्योतिर्लिंग है जहाँ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना आराधना करते हैं, तो भगवान महाकालेश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।